जहानाबाद के गांधी मैदान में पैक्स प्रबंधक द्वारा वेतन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना सोमवार को दिया गया। पैक्स प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि हम लोग कई सालों से पैक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा। कुछ पारिश्रमिक भत्ता दिया जाता है, जिससे इस महंगाई में परिवार का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिदिन पैक्स पर काम का बोझ बढ़ा देती है, लेकिन लोगों को वेतन निर्धारित नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर धान खरीदारी होने से पहले सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो किसानों का धान पैक्स में नहीं खरीदा जाएगा और इसका हम लोग विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार स्तर पर सभी पैक्स प्रबंधक वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर सजग नहीं दिख रही है। अगर सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो विधानसभा घेरने का काम भी किया जाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए रजनीश की रिपोर्ट। सरकार के उदासीन रवैये के कारण हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से वेतन न देख करके और कमीशन की राशि दी जाती है, तो हम लोग सरकार से बिल्कुल हमारी स्पेशल उनसे मांग होगी कि हम लोग आपका सहकारिता विभाग के अंग हैं और हम लोग को भी सरकार अपने कर्मचारी के रूप में दर्जा देकर और हमारी जो उचित सम्माननीय जो वेतन हो वो हमको दिया जाए। पैक्स में पीडीएस का दुकान, खाद के लाइसेंस या जो भी सरकार द्वारा धान प्राप्ति जो सरकार का बहुत अहम ही अंग है वो हम लोग काम करने का करते रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से वेतन नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है सरकार से कि हम लोग को प्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से न कर दे करके जो हमें सरकारी कर्मी का दर्जा होता है उस सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए हमारे लिए सम्मानित एक वेतन का निर्धारण किया जाए। हम लोग विधिवत और समय से इसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहेंगे लगातार। अभी हम लोग जिला स्तर पर एक बैठक किए हैं, इस बैठक का जो रूप है इसको और आंदोलन बढ़ाएंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के और प्रदेश स्तर तक के हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा का घेराव भी करना है, मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करना है। इस प्रकार से हमारी जो रूपरेखा है वो आगे की ओर तैयार हो रही है और समय रहते आप लोग को यही बता देना चाहते हैं कि इस बार हम लोग को जब तक वेतन की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे और ये मेरा संघ का आदेश है। किसी प्रकार का कोई सर्विस रूल नहीं बना था जो कि हमने लड़ करके और सर्विस रूल बनवाने का काम किया है। सर्विस रूल सरकार के लिए कोई भी सरकारी तंत्र में एक अहम चीज़ होती है, वो हम लोगों ने बनवाने का काम किया है, लागू भी हो गई है। ये आपका 13/1/2023 में लागू हो गया है। इसके बाद हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी सम्मानजनित जो वेतन होना चाहिए उसका निर्धारण किया जाए। संजय कुमार, प्रदेश सचिव, पैक्स कर्मचारी संघ बिहार।